देखिए शास्त्रों में कई बार भगवान शिव को ओघड़दानी कहा गया है। शिव का ये नाम इसलिए है क्योंकि ये थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए निश्चल भावना से अगर पूजा पाठ करने वाले लोग भगवान शिव की आराधना करें तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और देखिए ऐसी मान्यताएं हैं कि शिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव भक्ति कर रहे हैं, तो आपकी तो मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, चाहे आपके परिवार में कोई और समस्या हो, कोई और बाधा हो, वो आपकी दूर हो जाती है, आप हर समस्या से हो जाते हैं मुक्त। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ महाशिवरात्रि पर कुछ ज्योतिषीय उपाय जिससे कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपने पूरे परिवार की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो आप भगवान भोलेनाथ को गन्ने के रस से अभिषेक कराएं, आपको जरूर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। जो लोग चाहते हैं कि यार इस महाशिवरात्रि से पैसा आए ही आए, हर तरीके से वो निराश हो चुके हैं, पैसा नहीं आ रहा, तो ये चीज़ आपको लाभ दे सकती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का दही से रुद्र अभिषेक करते हैं तो आपकी संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी। देखिए अगर आपके पास ना तो दही है और ना ही है गन्ने का रस, तो आप शिवलिंग पर शहद और घी का अभिषेक भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा माना गया है। रुके हुए धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के वाहन यानी कि नंदी बैल को आप हरा चारा खिलाएं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें तो कभी भी बैल के साथ आप छेड़खानी ना कीजिए, ना उसको मारना है दुत्कारना। अगर आपके घर पे आ गया तो आप उसको गुड़ खिला दे, भगवान आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अगर शिवरात्रि के दिन अगर आप उसको हरा चारा खिलाते हैं तो मान के चलिए आपका रुका धन आपको जरूर मिलेगा। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस शिवरात्रि में आपको क्या करना है, शाम को 108 बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके सारे कष्टों से निवारण हो जाएगा। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपको मंत्र का जाप 108 बार करना है। यदि नौकरी या व्यापार में परेशानी चल रही है तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें और शिवलिंग पर जल में शहद डालकर आप अभिषेक करें और साथ ही अनार या फूल आप चढ़ा दें, आपको आपकी नौकरी से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं आपको उनसे निजात मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी इज्जत भी होगी। देखिए अगर आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। यदि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं आप जरूर अर्पित करें। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, भगवान शिव पर कुमकुम का लेप लगा देते हैं, तो ये बेहद गलत है। भगवान शिव पर कुमकुम नहीं लगाई जाती, सिंदूर नहीं लगाया जाता, ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। देखिए आखिरी में मैं आपको आपकी आर्थिक उन्नति के लिए कुछ बताना चाहूँगा। चांदी के लोटे द्वारा महाशिवरात्रि पर जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके बाद आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई शंका है, कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां भी अगर आपको कोई समस्या है तो मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूं कल कुछ नए उपाय के साथ, कुछ नए वास्तु के नियमों के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।